तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जो है ये हायर स्कूल का ये ग्राउंड में आए, हम लोग जो है ये बोगरी तोड़ने आए। मतलब बोगरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मालूम तो नहीं है। तो हम भी ये अभी जाएगा घर, थोड़ा देर का ये बोगरी ये सब को लेके हम लोग चटनी बना के खाएगा। तो एक्चुअली ये क्या बोलते हैं ये चटनी ये सब बनाने का तरीका को देखा हम वो रूपम भैया का ब्लॉग में देखा। तो ये कि उसका को देख के थोड़ा हम लोग भी आज थोड़ा बनाएगा बोल के कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसे टेस्टी उस्ती। मगर ये कि इतना बड़ा बड़ा वाला बोगरी उगरी तो नहीं, हमें छोटा छोटा ही है। अभी आप लोग को भी दिखाएगा। तो चलिए ये है कच्चे लोग यहाँ में, तो बहुत अभी तक ये क्या बोलते छोटा छोटा अभी तक पका तो नहीं है यहाँ में। तो हम लोग आया वाला लिया वाला जो है ये लोग है, एक जगह अच्छा वाला तो पका पका वाला तो मिल रहा है बोल के नहीं। ये लोग लास्ट में अलग से कुछ टेंगा होते ये लोग ना ये बोरी है। तो हम लोग यहाँ से ढूंढ गए, यहाँ से थोड़ा थोड़ा अभी पिकेगा थोड़ा देर का ये सेजुम। तो देख सकते हैं इतने ना छोटा वाला मिल रहा है। तो ये लोग से तो हमको तो लगते कि ये इतना चटनी इतना टेंगा वाला और मीठा वाला तो नहीं हो, क्योंकि ये लोग का टेस्ट लास्ट में कुछ अजीब से हो जाते हैं। मगर भी देखते हैं बना के खा के देखते हैं कैसे होता है बोल के। ये बंदूरी है जो क्या बोलते हैं ये प्लास्टिक को प्लास्टिक नहीं ला के बोगरी तोड़ने जाएगा बोलते हैं ये जो। तो वो तरफ का तो इतना तो फका नहीं है अभी तक, तो पूरा क्या बोलते हैं उसको ग्रीन ग्रीन है, देख रहा होगा ये हमें भी। वो ऊपर तरफ में थोड़ा मोरा पका पका वाला वो ये ला ऊपर में इतना ही है, देखा होता था हमें। एक्चुअली हम लोग को जो है प्लास्टिक नहीं मिला है, तो अभी हम लोग यहाँ में ले जाएगा घर ले जाएगा यहाँ में डाल के। तो इसके बाद हम लोग चटनी बनाना शुरू करेंगे, और चटनी को कैसे बनाते हैं आप लोग को भी देखेंगे। आप लोग भी कभी दिन ट्राई करो, क्योंकि हम भी किसी और से सीखा वाला है। हम लोग घर पहुँच गया, तो ये मिर्चा तो इतना अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर हम लोग जो है बोगरी को पीसेगा। और यहाँ पे कुछ कुछ दीदी इधर आओ हाथ दो इधर देखो दीदी हाथ दो, भर जाओ जाओ भर जाओ भर जाओ दीदी भर जाओ भर जाओ भर जाओ। तो अभी बोगरी को जो है हम लोग वो बोगरी को अभी धुलाने गए, धुला के उसको पीसना शुरू करेगा, पीस चटनी ये सब बनाना शुरू करेगा। रूपम भैया का ब्लॉग में तो ड्राई पीस था, मगर हम लोग यहाँ पे ड्राई पीस नहीं है, ये इसको बोलते हैं सूले चटनी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे ताचुम चटनी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग का लोकल में जो है इसको केकड़ा को जो है हम लोग ताचुम बोलते हैं, इसलिए तो इसका चटनी है तो इसलिए ताचुम चटनी बोलते हैं। ड्राई पीस नहीं है तो उसका बदली हम लोग ये सूले चटनी को डालेगा। तो यहाँ पर मिर्चा है, फिर मिर्चा को पीसना शुरू करेगा, फिर बोगरी को पीसेगा, तब वहाँ से मिला के खाना शुरू करेगा। तो अभी हम लोग जो है ग्राइंडर में इसको पीसेगा। तो मतलब इसको क्या बोलते हैं यहाँ से चिली पेस्ट बनेगा, यहाँ से बनाने से थोड़ा ठीक होगा। तो शुरू होते हुए हमारे तो अभी सबसे पहले जो है ये श्रीम पेस्ट रेडी है, फिर यहाँ में जो है चिली पेस्ट और यहाँ पे बोगरी। अभी हम लोग जो है बोगरी लोग को यहाँ में डाल के पीसना शुरू करेगा, पीस के ये लोग को मिक्स करेगा, तीनों को मिक्स करके टेस्टी से खाएगा। तो एक एक करके फोड़ना पड़ेगा, इसका गुटी को भी डायरेक्ट फोड़ा था। तो देख सकते हैं यहाँ में ये क्या ये बोगरी उगरी। तो ये लोग सबको एक एक करके पीस के यहाँ में डालेगा। तो अब हमारा पिसा वाला और थोड़ा सा बचे, अब ये सबको पीसे। और अभी ये जो क्या तरह श्रिंप पेस्ट को जो है अभी यहाँ पे मिक्स करेगा ये मिर्चा का साथ। तो ये सब अभी ये सबको बना लेने के बाद मिक्स करेगा एक साथ, मिक्स करके बाद में जब देखते जाओ कैसे बहुत टेस्टी होगा इसका फ्लेवर। तो हमें है श्रिंप पेस्ट और ये जो मिर्चा को ग्राइंड किया था, अब ये दोनों को पीसेगा अच्छा से एक साथ। और देख सकते हैं वाव
एक्चुअली ये वीडियो को देख के जो हम ये चटनी बनाने का आइडिया रूपम भैया से आए, हम भी उसका बहुत यूज पेन है, उसका वीडियो को जो है कभी स्किप नहीं करते हम जो। अभी डाल देगा तो अभी ये लोग जो है यहाँ पे मिला देगा। और मुझसे चलेगा क्या वाह अभी तो टेस्टी है, क्या बोलेगा। तो ये सबको तो अच्छे से मिला दिया, इसको तो खाना का सब खाने से ठीक होगा ना। टेस्टी थोड़ा सा डलेगा, आज तो ठीक से खा रहे, कल सुबह मालूम नहीं, आज रात मालूम नहीं क्या होगा। तो हमारा ये जो ऑलमोस्ट हो गया तो अभी तक टेस्ट करेंगे। एक टिंगाओ के जालों के बहुत अलग से टेस्ट आ रहा है, देख रहा होगा मेरा आंख से आंसू, इसको खा के कैसे हो रहे हैं, अलग वाला कुछ जाल हो रहा है ना, मगर टेस्टी भी बहुत टेस्टी हो रहा है। जाल तो बहुत हो चुका है, आंख से आंसू। तो पूरा रोने लग गया, आंख से आंसू देख रहा होगा। तो अभी इतने बचे, क्या बोलो अभी, और तो नहीं कहेगा, इसको जो है बच्चा लोग फ्रिज में रख देगा। तो यहाँ पे रख दिया, बाद में भी खाने मन हुआ था खाया, या बाद में। ये सबको धुलाना तो मेरा काम है अभी, ये सबको रख देगा ये सबको। तो एक्चुअली आज का ये जो जाल हुआ है मेरा, पहली बार ऐसे वाला हम जाल कभी नहीं गया। तो आज का ये था कि ब्लॉग में, आज का तो एक फूडिंग था, फूड ब्लॉग बोल सकेगा, ये था चटनी उतनी लोग कैसे बनाते ये सब खाने लगे। तो आज के लिए मेरा ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म होगा, तो आप सबको मिलते हैं मेरा अगले वीडियो में। तो मेरा वीडियो के लिए भी आप लोग इंतजार करते रहो। तो लास्टली आई होप यू गाइस आर ऑलवेज अमेजिंग पीस।